CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जानवरों का किला। आलेख जयपाल सिंह तरंग का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। नमस्ते बच्चों, बहुत दिन की बात है, एक किले में राजा रानी रहते थे। किले में कई पशु पक्षी भी रहते थे, मोर, कोयल, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट भी, गधा भी। राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी। क्या तुमने गधे की आवाज सुनी है? अच्छा सुनो। चलो बच्चों, तुम भी गधे की आवाज निकालो। अरे भाई, बस हो गया। राजा को गधे की बोली अच्छी नहीं लगती थी। अब आगे कहानी सुनो। रानी को ऊंट की सूरत बुरी लगती थी। क्या बुरी लगती थी? ऊंट की सूरत। दोनों ने तय किया, ऊंट और गधे को किले से निकाल दिया जाए। हुक्म हो गया, सब ऊंट और गधों को किले से बाहर निकालने की तैयारी हो गई। जाने से पहले ऊंट राजा के पास गए। बाबा ऊंट बोला, लकड़ी लाया, किला बनाया, आपकी सेवा में दम भरते, किसी काम को मना न करते। रहने दो भाई, रहने दो, हमें किले में रहने दो। काम आपके आते हैं हम, नहीं किले का खाते हैं हम। पेड़ पेड़ पत्ती चर लेते, राजा यूं ही पेट भर लेते। राजा डांट कर बोला, नहीं, तुम किले में नहीं रहोगे, निकल जाओ। बच्चों, राजा ने मना कर दिया। सब ऊंट किले के बाहर चले गए। अब गधों ने क्या किया? वो भी राजा के पास पहुंचे। दादा गधा बोला, आपकी सेवा में दम भरते, किसी काम को मना न करते। रहने दो भाई, रहने दो, हमें किले में रहने दो। जानते हो बच्चों, राजा ने क्या कहा? राजा बोला, नहीं नहीं, तुम किले में नहीं रह सकते, किले से बाहर निकल जाओ। राजा की ये बात सुनकर गधे भी चले गए। बच्चों, जानते हो फिर क्या हुआ? किले के बाहर आकर सारे ऊंट और गधे रोने लगे। कैसे? जैसे तुम रोते हो। तुम भी तो रो। अरे, तुम तो रोते हुए भी हंस रहे हो। ऊंट और गधों का रोना सुनकर राजकुमार किले के बाहर आया। उसने ऊंट और गधों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, राजा ने हमें किले से निकाल दिया। राजकुमार ने पूछा, पर क्यों? राजा को गधों की आवाज बुरी लगती है, रानी को ऊंट की सूरत पसंद नहीं, बस इसीलिए निकाल दिया। वो इतना कहकर फिर रोने लगे। राजकुमार ने वादा किया, मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं अभी जाकर पिता राजा से कहता हूँ। राजकुमार राजा के पास गया।
और बोला, हे पिता महाराज, हे पिता महाराज, ऊंट और गधों को किले में ही रहने दो, किले से बाहर मत निकालो, किले में ही रहने दो। राजा और रानी ने राजकुमार को समझाया, ऊंट की सूरत अच्छी नहीं, गधे की आवाज अच्छी नहीं, किले में वही रह सकते हैं जो अच्छे हैं। राजकुमार भी राजा रानी की बातों में आ गया। बहुत देर हो गई, राजकुमार नहीं आया। जब ऊंट बाबा राजकुमार के पास गए तो राजकुमार बोला, मैं तुम्हें किले में नहीं रख सकता, राजा रानी ठीक कहते हैं, जाओ किले से बाहर निकल जाओ। वे बेचारे बाहर आ गए। राजकुमार ने भी उनकी नहीं सुनी, वो अपनी बात से मुकर गया। ऊंट बाबा ने आकर सबको बताया, राजकुमार भी अपने वादे से मुकर गया। दोस्तों, राजकुमार ने हमें किले में रखने से इनकार कर दिया है। तब दादा गधा बोला, चलो मेरे साथ जंगल में चलो, हम अपना किला बनाएंगे, आराम से दिन बिताएंगे। अब सब चल पड़े जंगल की ओर। जंगल में ऊंटों और गधों ने धड़ाधड़ काम किया। ठक ठका ठक, ठक ठका ठक, ठक ठका ठक, पत्थर आया, गधा आया, पत्थर लाया, पत्थर आया, चूना लाया, सबने मिलकर जोर लगाया। जोर लगा के हई सा, शोर मचा के हई सा, बनी दीवारें हई सा, किला दीवारें हई सा। ठक ठका ठक, ठक ठका ठक, ठक ठका ठक, कट कटा कट, कट कटा कट, लकड़ी आई, लकड़ी लाए हैसा, छत बनाई हैसा, सबने मिलकर जोर लगाया। जोर लगा के हैसा, शोर बचा के हैसा, छत बन गई हैसा, किला बन गया हैसा, किला बन गया हैसा, किला बन गया हैसा। बच्चों, ऊंट और गधों ने तो अपने लिए एक नया किला बना लिया, पर राजा के किले का क्या हुआ वो भी तो सुनो। एक दिन काली आंधी आई और राजा के किले में लग गई आग। किला जलकर राख हो गया, मच गई भागम भाग। राजा रानी और राजकुमार ने दूसरा किला बनाने की सोची। पर बच्चों, किला कैसे बनता? कौन पत्थर लाता, कौन चूना लाता? ऊंट और गधों को तो राजा ने पहले ही निकाल दिया था। राजकुमार ने राजा से कहा, आप लोगों ने बुरा किया, ऊंट गधों को निकाल दिया। मैंने आपसे मना किया, कभी इधर गया कभी उधर गया, मैं भी वादे से मुकर गया। तभी डाल पर तोता बोला, सुग्गा बोला, मिट्ठू बोला, मैं जंगल से आया हूँ, नया संदेशा लाया हूँ। ऊंट बाबा मुझे मिला, उन्होंने बनाया नया किला, बाग बगीचा मीठे फल मुझे खिलाए खुश होकर। तुम चाहो तो चलो वहाँ, ऊंट बाबा का किला जहाँ, दादा गधे का राज जहाँ। राजा बोला, हम किस मुंह से जाएं,
वे यहाँ रहना चाहते थे, तब हमने रहने नहीं दिया, मना कर दिया। रानी बोली, मैंने गलती की, वे रहते तो अच्छा होता, मैंने बेकार उनको रखने से इनकार कर दिया। राजकुमार बोला, मैंने तो उनसे वादा किया था, मैं तुम्हें किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। पिताजी महाराज, आप नहीं माने, मैं वादे से मुकर गया। तोता बोला, ये लो पान सुपारी, ऊंट बाबा ने आपको न्योता भिजवाया है, आपको अपने किले में बुलवाया है। न्योते के कागज पर लिखा है, राजा को, रानी को राम राम राम, प्यारे राजकुमार तुमको सलाम। एक बात मानना, मानोगे ना, छोड़ो हर बात पर करना मना। वादा करो तो निभाओ जरूर, वादे से मुकर मत जाओ हुजूर। ऊंट और गधे से भी पड़ता है काम, राजा को रानी को राम राम राम, दावत है आना, इनकार नहीं करना। इस किले को अपना ही घर समझना, हम गाएंगे गाना बजाएंगे बाजा, हमको भी चाहिए एक रानी एक राजा। हमने लिखा ये किला आपके नाम, राजा को रानी को राम राम राम। बच्चों, राजा रानी और राजकुमार चल दिए नए किले में, जहाँ ऊंट और गधे उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे और उनका होने लगा स्वागत। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।